कोई भी फंक्शन होता है ना तो हम परेशान होते हैं, मुझे भी नहीं लगाना आती, मुझे नहीं खिलाओगे मलाक को, पापा को खिलाओ। हमने सोचा कि आज हम जाकर ना मलाक का वहाँ से ना कोई झूला ले आते हैं। कहाँ जा रही है? इस तरह का माहौल जिसमें कोई शो ऑफ ना हो ना, ये वाला ना सोफा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसका कलर देखो। आ जाओ चले, आ जाओ, ये वाला देखा है हमने। मलाक खा रही थी मीठे लड्डू और मैंने तमन्ना को कहा कि इससे छीन लो और इसने ये हाल किया अपना। और जो आ जाओ, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, खाना लेकर आई हूँ, बच्चे का नाश्ता। नाश्ता करना आपने? हाँ, मेरी मलाक को नाश्ता करेगी, चूरी खाएगी, मेरी मलाक की फेवरेट है चूरी, है ना? हाँ हाँ हाँ, गिर जाएगी, गिर जाएगी। हाँ, अब कहाँ जा रही हो आप? पापा के पास जाना है। हाँ, सीधा यहाँ से जाएगी पापा के पास मलाक को, चूरी लेके ना मलाक सीधे यहाँ पर आ गई अपने पापा के पास। कोई हाथ ना लगाए, दूर हो जाओ सारे मुझसे, सारे दूर हो जाओ। मैं खा लूं, मेरे बच्चे ने आंसू कितने निकाले लड्डू के पीछे, ये खुद एक छोटा सा लड्डू है हमारा। मुझे नहीं खिलाओ, मलाक को, पापा को खिलाओ, पापा कह रहे मुझे भी खिलाओ। माशाल्लाह मलाक को समझ आती कि पापा क्या बोल रहे हैं मुझे। मेरी गंदी मलाक, छोटी सी शोनी मलाक मामा की। बस बस बहुत, बस अब खुद खाओ, बस अब आप नहीं, बस बस जबरदस्ती खिलाएगी, बस सारे शरीक हो गए मेरी बच्ची की चूरी में सारे। मलाक के बाद अभी हस्बैंड के लिए और मुस्तफा के लिए मैं चूरी बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया हुआ है और अभी अभी रोटियाँ बनाई है मैंने गर्म है, और यहाँ पर देखिए मैंने ली हुई है शक्कर। इन तीनों चीजों को मिलाकर अभी मैं बनाने लगी हूँ। बस थोड़ी सी गर्म थी तो मैंने कहा ठंडी हो जाए क्योंकि मेरा हाथ जल रहा था। चलो ये बन जाती चूरी। क्या हुआ, क्या कोई बात कर रही हो आप? कुकू और अभी ये देने जा रही हूँ हस्बैंड को। आपको मस्त लगाया जा रहा है कि आप उसको चूरी खिलाओ, बस और कुछ भी नहीं, ये सारा चूरी खाने का बहाना है। बस लग गया मक्खन। मलाक आ जाओ, मैं कह रही थी कि मलाक ने चूरी खा ली लेकिन मलाक अपनी सारी चूरी अंदर छोड़ कर आ गई थी और ऐसे लड़ रही थी मुस्तफा के साथ, देखो खाई भी नहीं इसने। आ जाओ, आ जाओ मामा के पास, आ जाओ जल्दी से। क्या लगा पाओ को, कुछ लग गया, चोट लगी? अच्छा छोड़ो, ये खाओ पहले, ये फिनिश करो अपनी चूरी। नहीं खानी, नहीं खानी, क्या चाहिए, क्या खाना है? पीने लगी हूँ अभी अपनी चाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हम सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको कभी भी किसी का मोहताज ना करे, आमीन या रब। तो यहीं से अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं पीने लगी हूँ अपनी चाय, नाश्ता सबने कर लिया है, बच्चों का अभी जाने का टाइम हो गया और देखिए मैं अपनी चाय पीने लगी हूँ और मलाक को देखें कहाँ पे लेट गए फीडर लेकर। मोना मुझे अपनी यहाँ पर मेहंदी दिखा रही है, ये अभी सीख रही है आराम आराम से। मैं ऐसे कह रही हूँ अच्छा चलो सीख, जो अच्छा है ना। कोई भी फंक्शन होता है ना तो हम परेशान होते हैं, मुझे भी नहीं लगाना आती, इनको भी नहीं लगाना आती। हानिया मुझे कह रही है कि इसने लगाई और मुझे आपने क्यों नहीं लगाई, हम रात को लगाएंगे। हानिया मेरे पास वो जो स्टीकर है ना वो है, वो यहाँ पे रख के मैं आपको भी लगाऊंगी और मलाक को भी लगाएंगे और मैं भी लगाऊंगी। आज मलाक को पता है ना कि एग्जाम होने वाले हैं। आजो हानिया, मलाक के रोने की आवाज आ रही है, इसने भी अब जाना है। अल्लाह छोड़ दें, से मैं अभी इसे पकड़ती हूँ, आ जाओ। बेचारे का रो रो के पूरा हाल जाता है, बाय बाय कर दो अब। चले गए सारे छोड़ के मलाक को। बच्चों के जाने के बाद ना अभी हमारा भी इरादा बन गया बाहर जाने का। मलाक पहले इतनी रो रही थी कि चली गई चाचू के साथ नीचे। कहाँ देख रही थी आप, तंग किया अपने अब्बू को? जा कैसे रही है ये, आराम से चलो नीचे देख के। सारे अभी हम आ गए हैं बाहर, मलाक की खुशी आप सबने देखी कि मलाक कितनी खुश है ना दादा अब्बू के साथ। हम अभी जा रहे हैं मिराज पे, मिराज जो कि मदीना मुनव्वरा में है जहाँ पर सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, और हमने सोचा कि आज हम जाकर ना मलाक का वहाँ से ना कोई झूला ले आते हैं या मलाक के लिए कोई गाड़ी, कोई ना कोई टॉय है वही इसका वहाँ से जाकर ले आते हैं। एक तो ये जब भी बाहर जाती है वो तंग करती जी। हाँ नहीं भी वहाँ पर मिलती है, अगर नहीं समझ में आए तो नहीं ले लेंगे और अगर सेकंड हैंड समझ में आते हैं तो सेकंड हैंड ले लेंगे, तो बस जा इसी की वजह से रही है। मलाक खुश हो आप? खुशी चेक करें इसकी। चलो मम्मा जा रही है, बाय बाय।
चलिए अभी हम बैठ गए सब गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ से। आज मैं पहली बार जा रही हूँ हिराज पे, जब से मैंने गाड़ी ड्राइव करना सीखी है ना फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। चाचू साथ होते हैं तो कोई डर नहीं, क्योंकि चाचू जा रहे हैं इतने टाइम से यहाँ पर। मलाक मलाक कहाँ जा रही है? अपना झूला लेने जा रही है मलाक को। नहीं लेना नहीं लेना। अभी हम पहुंच गए हैं बस में, कुछ ही देर तक पहुंचने वाले, सिग्नल पर रुके हुए हैं, लास्ट सिग्नल यही है। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और मलाक की प्रेम मैंने गाड़ी से निकाल ली है। चलो आ जाओ बैठो। ये अच्छा हुआ ना कि इसकी प्रेम पड़ी थी गाड़ी में, नहीं तो इसने तो बस फिर बहुत तंग करना था हमें। चलिए अभी हम पहुंच गए हिराज पर। यहाँ पे हर चीज मिल जाती है सेकंड हैंड, जिस जो चीज भी आप लेना चाहते हैं। पहले भी एक दो बार आई हूँ, मैंने अपनी वीडियोस में भी दिखाया था। ये वाला साइकिल लेना है चाचू ने, हाँ मतलब आपको बोले आपको ले दे। क्या लेना है आपने? काफी सारे लोग आए हुए देखे चीजें लेने के लिए यहाँ पे। मतलब ये वाली ले दूं गाड़ी आपको, ये वाली चाहिए? देखें जिस जगह पर भी जा रहे हैं ना वहाँ पर जो है लोग है ना वो खरीदारी कर रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है इनको देख कर ना, इस तरह का माहौल जिसमें कोई शो ऑफ ना हो ना। और सबको पता होता है कि यहाँ पर हर कोई सेकंड हैंड चीजें लेने के लिए आया हुआ है ना, तो यहाँ पर मुझे काफी अच्छा लगता है यहाँ पर आना। यहाँ पर ये होता है कि बंदा रिलैक्स होकर जो चीज भी लेता है ना, तो सबको पता होता है कि सब जो है ना वो एक ही कैटेगरी के हैं और सब ये ले रहे हैं, किसी ने यानी सारे सेकंड हैंड चीज़ें ही ले रहे हैं। ये देखें जब हम जाते हैं ना बच्चों को पार्क लेकर, तो इस तरह की जो साइकिल्स होती हैं वहाँ पर रेंट पे मिल रही होती हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये भी आई हुई हैं काफ़ी सारी, ये नहीं और देखें वहाँ तक सारी साइकिल ही साइकिल्स हैं। और यहाँ पर बर्तनों में देखें काफी सारी चीजें जो है ना यहाँ पर बिल्कुल न्यू हैं, पैक हैं कार्टन में ना पैक हैं। ये देखें ग्राइंडर मशीन्स को देखकर मुझे याद आ गया कि मुझे भी ग्राइंडर मशीन एक चाहिए। और यहाँ पर देखें यहाँ पे सारे तवे हैं, उस साइड पे सारे बर्तन हैं। ये वाला ना सोफा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है ना। तो मैंने कहा जो हमारा रूम फारिक पड़ा हुआ ना तो उसमें हम ये रख देते हैं। कितने का बता रहे हैं चाचू? 1200 रियाल। अच्छा इसकी 1200 प्राइस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि घर जाके ना हमें सेट करके देंगे। लेकिन है काफी प्यारा, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। पता नहीं मोबाइल में आपको किस तरह का लग रहा है लेकिन माशाल्लाह काफी प्यारा है ये, बिल्कुल पैक पड़ा है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये 2000 का बता रहे हैं। ये टेबल जो है ये भी साथ में ये भी घर सेट करके देंगे, लेकिन सच में बहुत प्यारा है ये। जो ग्रीन वाला हमने देखा है ना उससे ज्यादा ये खूबसूरत है। क्या कर रही हो आप मलाक? चलो चलें, चलो बाय बाय कर दो, बाय 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 चलो। अभी देखिए हम आगे जाते जा रहे हैं और इतनी खूबसूरत ये सोफे हैं, यहाँ पर नजर ही नहीं हट रही, दिल करे बार बार। चाचू कह रहे हैं कि ये देखो ये कितना प्यारा है, सच में ये भी बहुत खूबसूरत है। और हम देखने के आए थे मलाक का झूला, मलाक का झूला देखते देखते हम आगे भी जा रहे हैं और भी काफी सारी चीजों को ना एक्सप्लोर करते जा रहे हैं आप सबके साथ। बाय कर बस सबको सलाम करना है इसने। मलाक ये क्या हो रहा है? जो भी आता है पहले अपना हाथ यूं कर लेती है। ये वाले सेट में ये भी चाचू को बहुत पसंद आए, कह रहे हैं ये देखो ये कितने प्यारे हैं, सच में वाकई बहुत प्यारे हैं ये वाले। वो भी प्यारा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो नवाबों का स्टाइल होता है ना। अभी काफी छानबीन कर ली हमने, काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर भी कर लिया देख लिया, लेकिन मलाक का जिस टाइप का हमें चाहिए था ना झूला या जो भी उसके लिए हमने लेना था ना वो हमें नहीं मिल रहा। अभी हम जा रहे हैं जो कुछ शॉप्स हैं और वहाँ पर नई चीजें मिलती हैं, तो वहाँ पर जाकर देखें अगर वहाँ पर हमें मिल जाती है। चलिए अभी हम आखिरकार ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर पहुँच गए हैं इस शॉप पर, अभी जाके हम अंदर देखते हैं। ये ऐसे लगे तो वो है फार्म पे, वही तो हैं जो फार्म पे हैं। वो जो पहला मंगुस्वा का ले गया था ना ये। ऐसा था हाँ, सना चाचू ने लेकर दिया था मुस्तफा को जब मुस्तफा छोटा था तब। ये कुछ बड़ा है, वो इससे थोड़ा छोटा था, सारा दिन मुस्तफा उसके ऊपर बैठ के झूलता था। कैसा है मलाको? अच्छा है झूला, ये वाला ले लें मेरी मलाक के लिए। मलाक अरे वाह, ये देखो ये मलाक को धूप भी नहीं आने देगी अगर लेते हैं मलाक के लिए ऐसा। तो ठीक है अब चले अंदर चले, रुको 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 मम्मा आ रही है। जो चले आ जाओ आ जाओ अंदर।
अभी हम इस शॉप में इंटर हो गए हैं और यहाँ से अभी हम देखते हैं मलाक के लिए। देखिए इतनी बड़ी शॉप है और सारे इसमें खिलौने ही खिलौने। अच्छा पहले हमने मलाक के लिए ये देखा है, इसकी तकरीबन जो प्राइस बताई है वो 400 रियाल है। इसके बाद ये देखें ये वाला, ये न्यू बॉर्न बेबी का है लेकिन बहुत प्यारा है माशाल्लाह, बहुत क्यूट सा है ये देखें, और है भी काफी सॉफ्ट। और एक देखें कि यहाँ पर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा हो ना जिसमें इसको झूला आए ताकि ये सुकून से सो जाए, जैसे बहुत तंग करती है सोते टाइम में। सोते वक्त ना मलाक बहुत ज्यादा तंग करती है और इसको हिलाते हिलाते कभी कभी मेरे बाजू में भी दर्द होने लग जाता है तो नहीं सो पाती। तो इसलिए हम कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं कि कॉट भी हो और इसमें इसको झूला भी आए ताकि ये सुकून से सो जाए। काफी देर से देखें हम वहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया। अच्छा एक ये वाला देखा है हमने, ये इसमें देखें झूला तो आ रहा है लेकिन मसला पता है क्या, ये है छोटा, छोटे बच्चे का है ये। कहाँ गए मलाक? मलाक को क्या कह रही हो आप अब्बू के साथ बैठ के? कोई झूला नहीं अच्छा लग रहा आपका, कोई नहीं पसंद आ रहा, वो है ना सारे कॉट है ना उसमें, वो नहीं है झूला नहीं है इसलिए। अभी सारा घूमने के बाद ना हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास वापस, क्योंकि एक दो और शॉप्स हमें बताई हैं, जिस शॉप के अभी हमने देखे थे ना उन्होंने बताई है एक और दो जगह के, वहाँ पर आप जाएं तो जिस टाइप का आपको चाहिए तो वहाँ पर मिल जाएगा। बच्चों का भी टाइम होने वाला है तो बच्चों को पिक करके फिर घर जाएंगे, फिर कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल जाकर, क्योंकि अभी फिर काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा घर जाकर, खाने पकाने का भी है और बच्चों को भी उठाना है। और बाकी व्यू चेक करें आप सबके, मौसम कितना ज़बरदस्त है और शाम का व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त है यहाँ का। चलो बैठो शाबाश। आप क्या करने आए थे बाहर? सारे साथ हैं। हम गए थे मलाक का झूला देखने के लिए। पक्का ले? पक्का ले आए। पक्का? पक्का लेकर आए हैं सच में। अब घर जाके ना हम हानिया को सरप्राइज देंगे कि हमने मलाक का झूला ले लिया। सच्ची अब बैठो गाड़ी में बैठो, घर जाके इसको दिखाएंगे हमने लिया कि नहीं लिया। रात को मैंने और हाने ने जो करेले कट किए थे ना तो अभी मैं उनको फ्राई करने लगी हूँ, ये ज्यादा है तो हाफ फ्राई करके मैं रख दूंगी फ्रिज में, बाकी हाफ जो है ना उनका मैं आज सालन बना लूंगी। करेले यहाँ पर सारे फ्राई हो गए हैं और ये देखिए अभी मैंने ले लिया एक जिपलॉक बैग, हाफ अभी मैं इसमें डाल के रख देती हूँ फ्रिज में, फिर कभी बना लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, बना इसलिए लिए क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाते हैं ना फ्रिज में, ज़ाहिर है करेले ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते फ्रिज में अगर नीचे रहते हैं तो, अक्सर मेरे ख़राब हो जाते हैं जब भी हमारी सब्ज़ी आती है, तो इसलिए सोचा कि इस दफ़ा ना इनको फ्राई करके मैं जिपलॉक बैग में सेव करके रख दूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक जब भी बनाना हो तो कोई मसला नहीं होगा, आराम से उठा के फ्रिज से बना लेंगे, फ्राई करने का काटने कूटने का कुछ भी नहीं होगा, तो यही मुझे सही लगा। चिकन का सालन बनकर हमारा तैयार हो गया। अब मेरे दिल कर रहा है कि इसमें मैंने करेले ना डालूं, चिकन डालने तो है। यहाँ पर मैंने करेले ले लिए, तेल को डालने का टाइम आ गया है। खाना बनके तैयार हो गया और यहाँ पर ये देखिए मैं अभी दस्तरखान लगाने लगी हूँ, सालन रख दिया और अभी देखिए मैं रोटी भी लेकर आ गई हूँ, गर्मा गर्म रोटी, आज बाहर से आई घर पे, आज रोटी नहीं बनाई मैंने। चलें अभी दस्तरखान लग गया हमारा, खाना सबने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह और अभी सबके लिए बन रही है चाय।